नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। तुम सबको पता है सर्दियों में सुबह सुबह नहाना बहुत आसान है, बहुत ही आसान है। अच्छा, दिक्कत कहाँ आती है यार? सुबह सुबह नहाने से पहले कच्छा बनियान टॉवल ये सब ढूंढना, फिर उसके बाद नहाने की बात है इतनी और नहाने के बाद फिर कच्छा धो, फिर बाहर सुखाओ इतनी ठंड में। यहाँ पे प्रॉब्लम है यार, अगर यहाँ पे दिक्कत ना होती ना, मैं हफ्ते में एक बार नहीं मतलब एक दिन बाद एक नहीं नहाती, ठीक है? सुबह सुबह मुझे डांट पड़ गई। क्यों? क्योंकि मैंने घर का सामान इधर उधर रख दिया, और रखते तो बाकी लोग भी हैं, क्यों मुझे ही क्यों पड़े? क्योंकि मैं घर की छोटी हूँ ना, मैं मंदिर का घंटा हूँ ना। किसी को गुस्सा है तो बजा दिया, किसी को इरिटेशन हो तो सुना दिया। देखो एक शॉट, क्या हो लगी चोट है? क्या हो तो चोट लगे ना? कहाँ कहाँ लगी? तो चोट क्यों लगी? शीले में जी एक दिक्कत हो रही है क्या? अरे बताना, मेरी लाडली तो है, मेरी लाडली, मेरी लाडली, मेरी लाड। अभी तो कुछ आता है ना, बोलने पड़ता है, कुछ तो बोलने पड़ता है, इसका बड़ा आदमी निकालने होता है। Wait a minute. तो जिंदा मत छोड़ो सालो, हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है? तुम लोग भी तो खा पी के बर्तन ही इधर उधर रख देते, मैं तो कभी नहीं बोलती, टेबल पे झूठे बर्तन खा के रख देते हो। मैं तो कभी नहीं बोलती आपको कि तुम अपने बर्तन खुद ले जाओ, इन चाय की पतीली जला दोगे। बोल दिया अभी तेरे पापा को। क्या हुआ? ये जो है ना, बड़ मचा के रखते हैं, बोल रही हूँ। तो ऐसी करती है जब काम करते हैं तो आई नहीं। हाँ, ये क्या था ना, ये ले आटा निकाला, हाँ ढक्कन ऊपर और छन्नी नीचे, ऐसे ये चीज रखे जो गंदा नहीं, बोल रही हूँ मैं। तो उस टाइम ही क्यों डांटा आपने? अभी काम कर रही तब क्यों डांट रही? तो अभी जो देखा मैंने सुबह, ऐसे ऐसे मत कर बोले, और थोड़े काम ही करते थोड़ी बोल रही हूँ मैं, तू तो खिलाती है हमको। मेरी रानी बाजार जाएगी, सामान लाएगी। तभी तो जो होता है अभी ना, जो गलत लगता है बोल नहीं पाता है, सह नहीं सकती। दोस्तों पहले डांट खाओ फिर नाश्ता खाओ। आज तुम दिखाते अभी इतना क्या सर्दी? ये देखो, ये हमारे पहाड़ियों का प्रिय भोजन है, नमक, लून, पिसा लून और दही। ये पार्ट टाइम जॉब भी करते हो बताऊं क्या? घी की चुपा दीदी का, एक घी दूसरा काय सब्जी में तो नहीं छुपाया। तेरी हिम्मत कैसे मेरी चप्पल पहनने की? पापा इसको बोलो चप्पल के लिए उतार, मेरी चप्पल उतार। दूसरा भी दे, ये ले। दोस्तों दूसरे के परिवार में लड़ाई होती है प्रॉपर्टी, घर, पैसा, जायदाद। हमारे घर लड़ाई होती है चप्पलों की। तो मैं अपने पापा का रिएक्शन दिखाऊंगी तुम लोगों को कि मैं अपने बारे में खुद तारीफ कर रही हूँ और पापा का रिएक्शन क्या है। नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी से कुछ बात शेयर करना चाहती हूँ। मैं सुबह सुबह 5 बजे उठती हूँ और सबसे पहले अपने मम्मी पापा के पैर प्रणाम करती हूँ, पैरों को प्रणाम करके उनका आशीर्वाद लेती हूँ प्रातः काल में। झूठ झूठ। उसके बाद नहा धोकर पूजा करती हूँ। नाती नहीं है नाती नहीं, बिस्तर में बदबू आ रही है नाती कहाँ है? ऐसे बेबू मत बना दुनिया को, तुमने झूठ भी मत डाला कर यार। काला पर्स तेरा है? नहीं, कितने रुपए लिए? 7 रुपए। अभी तक इसकी आदत नहीं गई, सारा बचपन से चोरी करा है।
बदतमीज, मेरे पर्स से 60 रुपए ले रहा, बता। राख मूंगफली। तुम शीरो हो क्या? शीरे हो? दोस्तों, बहुत सोच विचार के बाद मैंने ये डिसाइड किया है कि मैं तुम लोगों को वो जो घोंसला दिख रहा है उसके अंदर के छोटे छोटे बच्चे दिखाऊंगी। मुझे ये सोचना बहुत पड़ा कि दिखाऊं या ना दिखाऊं, क्योंकि अगर मैंने दिखा दिया और उसकी मम्मी ऑन द स्पॉट आ गई और उसने देख लिया कि मैं उसके घोंसले में ताका झांकी कर रही हूँ, तो वो या तो मुझसे बहुत नाराज़ हो जाएगी या दूसरी जगह अपना घर बना लेगी। यार मैं पहुंच पाऊंगी क्या? ये कब फ्री होगी सीढ़ी? मुझे चाहिए थी सीढ़ी। हाँ, आपको क्या करना भाई? मैं आपको नहीं बता सकती वरना आप मुझे डांटोगे। जो काम करने वाला है उसको काम करने दो, ये फजूल में बातें मत करो, ठीक है? अब मेरे पापा थोड़े फेमस होने लग गए तो मेरे पापा स्टाइल मारेंगे। तो दोस्तों, हमेशा एक बात याद रखना, जब भी कभी किसी चिड़िया के अंडे या बच्चे छूने जाओ तो हमेशा ग्लव्स पहन लेना, क्योंकि हो सकता है हमारे थ्रू उनको कुछ इन्फेक्शन हो। अगर ऐसा भी नहीं तो उन पर हमारी खुशबू लग जाती है, तो उसकी माँ को लगता है कि इसके बच्चे को किसी ने छुआ है या फिर कोई आया था यहाँ, इसलिए वो घोंसला चेंज कर लेती है। इसलिए इंसानों की खुशबू उसके घोंसले में नहीं पहुँचनी चाहिए। I hope इसकी मम्मी ना आए। इसमें तो कुछ है ही नहीं, सब खाली। तो दोस्तों, जैसे कि तुम लोगों ने देखा कि चिड़िया उड़ चुकी हैं, उनके सारे बच्चे भी। मुझे अफसोस भी है और एक तरह से खुशी भी है कि सब सुख चैन से जी रहे होंगे, सबने उड़ना सीख लिया होगा और अपने मकान मालिक को तो वो भूल ही गए, बिना मिले उड़ गए, बताओ साले हरामी, कहीं के किराया भी नहीं दिया। चल चल सब्जी बना, चल आ जा। क्या सब्जी बना? People who perform this task are also new there and they are taking a little bit time because he recently requested the similar task to them. अम्मी कसम कह रही हूँ, मुझे यकीन नहीं होता कि ये मेरा भाई है। बचपन में इसको टट्टी को इंग्लिश में क्या बोला जाता था ये तक मालूम नहीं था। गजब बेइज्जती है। और बचपन में ये बेचारा हकता भी हिंदी टॉयलेट में ही था, इंग्लिश टॉयलेट में इसको आती ही नहीं थी। अब देखो कितना तरक्की कर लिया है। तो बस आज के लिए इतनी ही वीडियो। तुम्हें अच्छी लगे तो लाइक कर देना, क्योंकि पड़ोसी नहीं आएगा लाइक करने के लिए। और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया, समझ रहे हो? समझ रहे हो आप?